Take it easy. First of all, we see the student ready. What is student ready? Second, introduction to Rabe. Third, objective of Rabe. Fourth, about village, district map, and general information about village. Then, socio-economic survey of village, agronomical interventions, plant protection interventions, soil improvement, and animal production interventions. At last, agro-industrial attachment. Same slide, sir. क्वालिटी नहीं सही। स्टूडेंट रेडी व्हाट इज स्टूडेंट रेडी क्या होता है? स्टूडेंट रेडी इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय आईसीएआर इन 2015। स्टूडेंट रेडी एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया आईसीएआर के द्वारा 2015 में और एकेडमिक ईयर 2016 से 17 में से लागू किया गया है। इसके तहत चार कॉम्पोनेंट है, आप देख सकते होंगे आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट इज स्टूडेंट प्रोजेक्ट, सेकेंड इज इम्प्लांट ट्रेनिंग, थर्ड इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फोर्थ इज रावे। तो उसी के अंदर जो रावे है उसके अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। रावे का मतलब होता है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव। गांव में जो हम लोग सीखते हैं, क्या क्या हम लोग करते हैं, उसका जो कार्य अनुभव होता है उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हमें दर्शाया जाता है रावे के अंदर। तो रावे क्या होता है? रावे इज द रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम is an important competence and confidence building program activity introduced in agriculture degree program. RAVE is a learned centric approach of exposing undergraduate students of agricultural college by using principle of learning by doing and seeing is believing to provide direction and thinking and act on their own. Means RAVE mein hum log jo karya karte hain वो पूरी तरह से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के मतलब ड्रिवन होता है। वो हम किसानों से सीखते हैं और किसानों को डिलीवर करते हैं जो हमको पता रहता है। किसान वो हर आदमी हो गया जो कि अपने फार्म पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या कल्टिवेट कर रहा है। सेकेंड स्लाइड नेक्स्ट सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रावे। रावे के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल लाइफ बाय स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग के द्वारा सबसे पहले वहां की जो स्थिति है, गांव की स्थिति को पता करना। रूरल लाइफ कैसा है वहां, वो कैसे जी रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सेकंड, फैमिलियरिटी विद सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ विलेज, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को पता करना। सोशियो एंड इकोनॉमिक मींस सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक मींस देयर इनकम स्टेटस। थर्ड इज अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, वहां जाने से हमें प्रैक्टिकल लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलता है जो वहां पे हम लोग जैसे कल्टीवेट करते हैं या जो हम लोग कुछ सीखते हैं उसका एक्सपीरियंस मिलता है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉलोड बाय फार्मर्स, अब नए जमाने की कृषि पद्धति को वो कितना सुचारू रूप से यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो भी हम सीखने को मिलता है हमें। अगर उन्हें उनको नहीं पता होता है तो हमारा काम यही होता है एज एग्रीकल्चर एडवाइजर कि हम उसको सजेस्ट करें, उनको ये चीज आप यूज करके देखिए, हो सकता है आपको फायदा हो तो हमें बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, नुकसान हो गया तो वो भी बताएं। हम लोगों ने जो रावे किया था वो गांव का नाम है रसूलपुर सुहावन, आप लोग जानते होंगे, ये रतनपुरा पंचायत के अंदर आता है और उसका डिस्ट्रिक्ट वैशाली है। डिस्ट्रिक्ट का मैप देख रहे होंगे, इसमें वैशाली का डिस्ट्रिक्ट है और जो बगल में विलेज मैप है वो घेरा हुआ है रसूलपुर सुहावन। रतनपुरा पंचायत के अंदर चार गाँव आता है, उसके अंदर ये गाँव है। नेक्स्ट स्लाइड सर, अबाउट रसूलपुर सुहावन, गाँव के बारे में आप लोग देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर, नॉर्थ हो गया, वो हो गया भगवानपुर, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, स्टेट बिहार। एरिया इसका इस गांव का 76 हेक्टेयर। पॉपुलेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ज्यादा हो गया होगा लेकिन इसमें लिखा होता है सेंसस के हिसाब से, इसलिए 2433 यहाँ के यहाँ पे लोग हैं। हाउसहोल्ड्स 500
और इसका कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे रुसलपुर सुहावन का, तो पब्लिक बस सर्विस है यहाँ पर और प्राइवेट बस सर्विस है, रेलवे कनेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, इस गांव का पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 2433 ऐसा मैंने बताया, जिसमें से मेल है 1289, फीमेल 1144। इसमें लिटरेट पॉपुलेशन आप लोग देख सकते हैं और इलिटरेट पॉपुलेशन, इलिटरेट पॉपुलेशन भी देख सकते हैं। कितना बस? नेक्स्ट स्लाइड देन, अब आगे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ विलेज या पार, उनके सोशल या इकोनॉमिक का जो हमने सर्वे किया था, उनके सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ का हमने सर्वे किया, उसके हिसाब से फर्स्ट फार्मर हमारा होस्ट फार्मर है अनिल कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह जिनका की विलेज है रतनपुरा, उनके पास लैंड है 1 एकड़ की अच्छी मतलब उपलब्धता है, रिसोर्स है, वाटर पंप अवेलेबल है उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी है 24 घंटे उनके पास, हैविंग ट्रैक्टर कल्टीवेटर एंड वेरियस हैंड इक्विपमेंट, उनको मतलब ट्रेडिशनल खेती के लिए उनके पास उपयुक्त सब कुछ है, रिसोर्सेज। देन दूसरा चीज हमने उनको देखा तो टेक्नोलॉजिकल स्टेटस ऑफ फार्मर, टेक्नोलॉजिकल स्टेटस पर वो कैसे थे, तो उनका हमने देखा कि उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते थे, बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, लोकलाइज फार्मिंग rather than modern approach like high yield, market expansion, selling crop to other district या state, मतलब आप समझ सकते हैं वो एक सीमित एरिया तक वो क्रॉप को अपना डिलीवर कर पाते थे, जो वो उगाते थे वो अपना लोकली में बेच पाते थे, वो हायर यील्ड के लिए वो प्रैक्टिस कुछ अच्छा नहीं कर पाते थे, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया बहुत सारे चीज जिससे कि उनको मतलब उनका उत्पादन बढ़े और वो अपने लोकल मार्केट से स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके काम कर सके। देन उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है, उनमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है, कंस्ट्रेंट्स बोले, कंस्ट्रेंट्स इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, तो फर्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज का अभाव जो कि हम लोगों ने उस गैप को फिल किया, फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संसाधन जैसे रोड, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, तो उसका कनेक्शन वैसा नहीं है उतना अच्छा, क्लाइमेटिक इश्यूज भी आते हैं जैसे गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं होना या ठंडा के मौसम में, तो क्लाइमेटिक चेंज होना, फिर डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी जो कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा हो रहा है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ फील्ड्स इन फैमिली, मतलब लोगों का जो घर है, लोगों का जो फैमिली है उसमें फील्ड का बंटवारा, ठीक है, बहुत सारा हो जाता है, टुकड़ों में बट जाते हैं, इसीलिए वो भी एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट स्लाइड सर, इसके बाद आया एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन, एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन मतलब क्या, दीज आर द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस कैरिड आउट इन द फील्ड टू इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड यील्ड, मतलब यील्ड को बढ़ाने के लिए जो हम लोग सेट ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं उसे कहते हैं एग्रोनॉमिकल, उसमें एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन उसके अंदर आता है, तो उसमें क्या क्या है, सॉइल टेस्टिंग, इरीगेशन, टिलेज, पेस्ट मैनेजमेंट, मल्चिंग, सेलेक्शन ऑफ वेराइटी, सारा चीज पर डिपेंड करता है। इन दिस वी हैव हेल्प द फार्मर ऑफ रतनपुरा विलेज टू इम्प्रूव द ओवरऑल एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस बाय इम्प्रूविंग द क्रॉप फेल्योर एंड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। नेक्स्ट स्लाइड, जो कि सोशल इंसेक्ट है टर्माइट, ठीक है, और इसका मैंने सिम्टम लिखा है कि प्लांट सूख जाता है, ठीक है, रूट्स मतलब उसके जो रूट होते तने होते वो इजीली ऊपर आ जाते हैं, तो उसे पता चलता है, फोटो भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं, टर्माइट्स में तो फर्स्ट फोटो है उसको, उसका जो रूट होता है उसमें हम आराम से खींच सकते हैं, खींचा जाता है, फिर और उसमें रूट्स कैन बी सीन एज पार्शियली ईटन, रूट्स दिखाई देगा कि मतलब उठाया हुआ है थोड़ा सा, मतलब ठीक है, उसका मैनेजमेंट के लिए हम क्लोरोफाइडिंग वॉश 20% दे सकते हैं। उसके बाद एक और मेजर उसका है फ्लावरिंग स्टेज में लगता है एफिड, जैसे कि हम माहौल बोलते हैं सर, उसका फैमिली से लेकर उसमें 3 स्टेज होते हैं उसमें, और उसमें सबसे जो मतलब नुकसान पहुंचाता है वो स्टेज है उसका नीम पेन एडल्ट, जो कि उसके जूस को या सैप बोल सकते हैं उसको, वो क्या करता है रुसक कर लेता है, तो उससे येलोइंग क्रॉस हो जाता है उसके मतलब लीव्स पे, दैट्स व्हाई इट कॉज द मेजर